गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने वोकेशनल कंप्यूटर की सेकंड पेपर की जो क्लास है पीएचपी, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं एक कॉमन सी बात आपके साथ शेयर करूँगा। बात यह है कि जब भी हम कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, या डिज़ाइन करते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर से हम बनाते हैं, तो वो एप्लीकेशन डिपेंड करती है कि एप्लीकेशन होनी किस तरह की चाहिए। तो एप्लीकेशंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है वेब एप्लीकेशन, और सेकंड जो एप्लीकेशन आती है आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिनके तहत आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको HTML, PHP, .NET, JavaScript, CSS, इस तरह की कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें HTML लैंग्वेज आपकी बेसिक होम लैंग्वेज कहलाती है, जिसके थ्रू आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाते हो। ये खूब सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हो। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप अच्छे से, आपका पेज इसमें वेब एप्लीकेशन का बन जाता है। उसी तरह से अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो इसके लिए आपके पास C++, जावा, C#, एंड पाइथन, इस तरह की लैंग्वेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। यानी सबसे पहले यूज़र के माइंड में ये रहता है कि यूज़र जो अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहता है या किस तरह की एप्लीकेशन आपको बनानी है, तो उसकी कैटेगरी क्या रहती है। अगर वेब एप्लीकेशन है तो इनमें से किसी एक एप्लीकेशन का या किसी एक लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से अगर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो, या सारी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम अपनी एक अच्छी सी कंप्यूटर एप्लीकेशन बना सकते हैं। दूसरी बात, वेब एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट होती है वो किसी न किसी वेब ब्राउज़र पर या किसी न किसी सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं। उसी तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती हैं वो आपके किसी न किसी कंपाइलर पर एग्जीक्यूट होती हैं। यानी इनको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई वेब ब्राउज़र या सर्वर की आवश्यकता पड़ती है, और इनको चलाने के लिए आपको किसी न किसी कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये वाली एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र या सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं, और ये वाली एप्लीकेशन आपकी कंपाइलर पर एग्जीक्यूट होती हैं, जिनके थ्रू हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं PHP। जैसा कि हमें पता है या जैसा कि हमने पढ़ा है कि PHP जो लैंग्वेज है वो आपकी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी PHP जो लैंग्वेज है पूरी तरह से ओपन सोर्स है, इंटरप्रेटेड है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर इंटरप्रेटेड का मतलब है ये लैंग्वेज जो एग्जीक्यूट होती है वो किसी ना किसी वेब ब्राउज़र पर या सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है। यानी इस लैंग्वेज को सर्वर और वेब ब्राउज़र दोनों के कॉम्बिनेशन से चलाया जाता है। यानी आपके कंप्यूटर पर इसको चलाने के लिए कोई ना कोई सर्वर होना चाहिए, या और आपके कंप्यूटर पे कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होना चाहिए, तब हम इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये वाली जो लैंग्वेज है, यानी PHP जो लैंग्वेज है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये लैंग्वेज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ वेब पेज बनाने के लिए या वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने वाले साइंटिस्ट थे रैसमस लैडॉफ थे, जिन्होंने 1994 में इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था। इस लैंग्वेज को मार्केट में 1995 में लॉन्च किया गया, एंड इसका जो लेटेस्ट वर्जन इस टाइमिंग में मार्केट में जो चल रहा है वो PHP 7.4 and 0 है, जो इस टाइमिंग में मार्केट में चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि PHP जो लैंग्वेज है वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी इसका जो कोड होता है वो सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। सेकंड इसमें ये रहता है कि PHP जो लैंग्वेज है वो पूरी तरह से ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि इंटरनेट से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड
कर सकते हो। उसी तरह से ये लैंग्वेज इंटरप्रेटेड है, यानी इस लैंग्वेज को चलाने के लिए किसी ना किसी वेब ब्राउज़र की भी आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पर इंटरप्रेटेड का काम आपका वेब ब्राउज़र करेगा। और ये लैंग्वेज पूरी तरह से स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम PHP का यूज़ करते हैं। जैसे कि PHP का कंप्लीट या पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, यानी एक प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट ये एक लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना स्क्रिप्ट प्रोग्राम या PHP का प्रोग्राम बनाते हैं। इस लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के रूप में रीड किया जाता है, क्योंकि इस PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आप डिज़ाइन करते हो उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज की तुलना में इस लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम फास्ट होता है, यानी आसानी से एक्सेस किया जाता है, रन करने में फास्ट है अदर जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं उनकी तुलना में। इस लैंग्वेज में जो भी वेब पेज डिज़ाइन होता है वो पूरी तरह से आपका डायनेमिक होता है। ये लैंग्वेज आपकी HTML एम्बेडेड है, यानी इस लैंग्वेज के अंदर आप HTML के कोड को आसानी से चला सकते हो। यानी अगर आपने PHP का कोड किया है, अगर उसके बीच आप HTML का कोड चलाना चाहते हो तो ये लैंग्वेज पूरी तरह से HTML एम्बेडेड होती है। उसी तरह से ये वाली लैंग्वेज या PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज ओपन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो इंटरनेट पर आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाती है बिना किसी कोस्ट के। इसी तरह से इस लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम पूरी तरह से सिंपल एंड पढ़ने में इजी या डिस्क्राइब करने में इजी होता है और रन करने में भी इजी होता है। PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज के कुछ एक फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ आपको बताए हुए। जैसे फर्स्ट बताया गया ओपन सोर्स, यानी PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत आती है, यानी इसको इंटरनेट पर आप इजी वे में बिना कॉस्ट के डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह से HTML एम्बेडेड है, यानी ये वाली जो लैंग्वेज है यानी PHP जो लैंग्वेज है पूरी तरह से PHP का जो कोड है HTML एम्बेडेड होता है, यानी HTML के कोड को PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज के कोड में चलाया जा सकता है। सिक्योरिटी, इसमें जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो या जो भी वेब पेज आप बनाते हो पूरी तरह से सिक्योर होता है। उसी तरह से इसी का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो पूरी परफॉर्मेंस के साथ और फास्ट होता है, जो एरर रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग काम करता है। यदि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर शेयर हो जाएगी, यानी जब भी आप इसको रन करोगे तो ब्राउज़र स्क्रीन पर आपको एरर बता दी जाएगी कि इतने नंबर लाइन में कोई ना कोई एरर आ रही है। तो इसी तरह से ये पूरी एरर रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको आसानी से चलाया जा सकता है, इसलिए ये वाली लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको वेब सर्वर और एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती हैं, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से इंस्टॉल किए जा सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम PHP का रन हो जाता है। ये वाली लैंग्वेज वेब सर्वर सपोर्टिंग होती है, यानी इस लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए और पूरी तरह से वो वेब ब्राउज़र को सपोर्टेबल होती है। पूरा प्रोग्राम अपने कोड के थ्रू कंट्रोल होता है, जिसको आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी जब भी डिज़ाइनर प्रोग्राम बनाता है तो इसके कंटेंट इस तरह से डिफाइन हुए हैं या इस तरह से लिखे गए हैं कि जिनका यूज़ पूरा प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये वाली लैंग्वेज MySQL, SQL या PSQL डेटाबेस को आसानी से सपोर्ट करती हैं। यानी इस लैंग्वेज के साथ अगर कोई आप डेटाबेस पोर्टेबल करवाना चाहते हो तो PL, SQL, MySQL या Oracle का कोई भी वर्जन्स आप इसके साथ सपोर्ट करवा सकते हो। उसी तरह से इसका जो सिंटैक्स होता है पूरी तरह से फैमिलियर होता है, यानी जैसे आपने C में, C++ में या HTML में जो सिंटैक्स लिखे हैं वो पूरी तरह से यहाँ फैमिलियर होते हैं। एज इट इज़ उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है, अपना कोई कंटेंट एक्स्ट्रा इसने अप्लाई नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत इसका सिंटैक्स चेंज है, वो आसानी से आप क्लियरली समझ सकते हो, इसलिए इसको सिंटैक्स फैमिलियर लैंग्वेज भी कहा गया है। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि PHP स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है वो पूरी तरह से डायनेमिक होता है, और ये डायनेमिक इसके फीचर्स के कारण आता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट या जनरेट करते हैं। थैंक यू।